चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। संजय लीला भंसाली की नई फिल्म पद्मावत अब रिलीज को बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले एक बार फिर से विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कई लोगों का दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि इस माहौल में फिल्म की कमाई कैसी रहेगी। अगर हम फिल्म ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म चाहे इतना भी विरोध हो रहा है, लेकिन इस फिल्म का कमाई में कोई कमी नहीं आने वाली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म की जबरदस्त विरोध के बावजूद भी यह फिल्म कमाई के मामले में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बनाएगी। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो पहले दिन का कलेक्शन करीब करीब 40 से 50 करोड़ का होने वाला है, क्योंकि फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के साथ साथ रणवीर सिंह का जोरदार अभिनय दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में दीपिका का जोरदार अंदाज दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट की ये भी मानना है कि फिल्म का एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छा होने वाला है। अब तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा कि फिल्म पद्मावत को दर्शक कितना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर करणी सेना का विरोध थोड़ा थम जाता है तो बॉक्स ऑफिस पर पद्मावत एक नया इतिहास रच सकती है, क्योंकि पद्मावत दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ रणवीर सिंह के अभिनय की तो अभी से ही सोशल मीडिया पर जम के तारीफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दीपिका का घूंघर डांस तो बेहद ज्यादा दर्शकों को पसंद आ रहा है।